فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من "افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا" صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Al सूर्य कहफ का छठा रुकू हमारे जेन मताल है इस शुर मुबारक की अजमत के बारे में मैं पहले भी बारह हाँ कर चुका लेकिन यह कि इस जुम्मन में तकरार जो है यकीन एक फ़ायदा के बास होती है शुरह मुबारक की खसूसी अहमियत और फजीलत है बुखारी और मुस्लिम दोनों में एक रिवायत मौजूद है जो मैंने पहले भी आपको सुनाई थी जिसके रावी हज़रत बर्राह इब्न आजिब है रजी अल्लाह तन वो फरमाते हैं कि एक रात जब मैं सूर्य मुबारक की तिलावत कर रहा था तो अचानक मेरे सेन में जो मेरा घोड़ा बंधा हुआ था वो भिदकने लगा तो फ़ौर बाहर निकले तो जैसे ही इनकी निगाह आसमान की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा आसमान जो है मुनवर था बुकायनूल बना हुआ था तो हज़रत मर्राब ने आजम रजी अल्ला वापस तशरीफ़ ले गए सूर्य कहाफ़ की तिलावत कर रहे थे उसको मुकम्मल किया अगले दिन नबी कम वसल्लम के सामने अपना ये एक मुशाहदा रखा कि यह मामला हुआ था तो नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने कहा कि जब तुम इस सुर मुबारक की तिलावत कर रहे थे तो अल्लाह ताली की तरफ से नूर सकी का नजूल हो रहा था तो र कि यह शरफ़ इस सराय मुबारक को हासिल है कि जहाँ ये दज्जाल से बचने के लिए हजूर सल्ला वसलम ने इसे एक तीर बदफ़ नुस्खा करार दिया इसी तरह हजरत अबू दरदार अबूदरदार ताल से रिवायत मुस्लिम में मौजूद जिसमें उन्होंने फरमाया कि जो शख्स भी सूर्य मुबारक की दस आयात का इसतज़ार रखता है उसकी तिलावत करता है तो अल्लाह ताली उसे एक नूर अता फरमाता है ये वही नूर है कि जो गोया कि जब हज़रत ब्राहबन आजम रजी अल्लाह तनह तिलावत कर रहे थे तो नूर सकीनत की सूरत में नाजिल हो रहा था इसी तरह बिश्कात की रिवायत हजरत अबू सैदिन खुजरी रजी अल्लाह से कि जो शख्स भी हर जुमे के दिन इस सूर्य मुबारक की तिलावत करता है अल्लाह तु सिफाल से महफूज रखेगा अब ये बातें पहले भी बयान हो चुकी लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि अगर इसका अदा और तकरार हो तो फिर ये कि हमारे अंदर एक तरगीब पैदा होती है तशवीक होती है कि इस मुबारक मुबारका को याद करने की कोशिश करें उसकी बार बार तलावत करें इसलिए ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका कि इस सूर्य मुबारक के मजामी की जिसे आप कहिए कि ताने बाने के अंदर दुनियावी जिंदगी के दजल का जिक्र है खासतौर पर यह छठा रुकू जो बिल्कुल निसफ में है बारह रुकू है सूर्य मुबारक के छठे रुकू में जो हम हमारे इस वक्त जी दर्ज है जिसमें अल्लाह तला की जिंदगी की मिसाल बयान फरमाई वाजल हयात दुनिया कमा इनकी तीन आयात हम पढ़ चुके थे लेकिन तर्जुमा फिर सुन लीजिए ए नबी सल्लाम इनके सामने इस दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान कीजिए गोया के की आसमान से बारिश नाजिल हुई कमाज्ला फख्तला तभी नबातल और फिर इस बारिश की वजह से जो नबातुलर्ज है जो जमीन की रोईदगी है इस बारिश के पानी की वजह से और जमीन की कुत नमू की वजह से अनवाकसाम के जो है पौधे यहाँ निकल गए आप अगर किसी बिल्कुल बंजर जमीन को देखें और अचानक बारिश हो तो आपको हर किस्म के जो है खूबसूरत पौधे और क्रीपिंग जिसे आप बेलें कहते हैं वो भी नजर आएंगी फिन फा फासबा हशीमन तसरू रिया और उसके बाद बिल आखिर यह हो गया कि ये ज़मीन जो है जो भी उसकी रोहिदगी थी जो भी उसका सब्ज़ा था वो ख़त्म हो गया मालूम हुआ कि बारिश की वजह से फौरी तौर पर तो ज़मीन की कुतें नमू गोया कि वो आई और उसके बाद फिर जो है वो सब्ज़ा और रोहित पैदा हो गई लेकिन उसके बाद फिर ये तमाम के तमाम जो है बिल्कुल भुस हो गया फशबा हशी मन जरूर और बिल आखिर वो चूरा चूरा हो गई कि जिसे हवा उड़ाए फिरती है वकान अल्लाह को निशई मुखरा और अल्लाह ताली को हर शय पर इख्तियार हासिल है उसका इकतदार मुतलक है कुरानकीम में हयात दुनिया का नक्शा और भी बहुत से मकाम पर खींचा गया सूर्यस की आयत नंबर पच्चीस के अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज है बल्कि उसको भी मैं ख़ास तौर पर अगर आपके सामने पढ़ दूँ इन नमा मसल हयात दुनिया का मायन फ़क्तल तभी नबातल पहला हिस्सा तो बैन ही वही है जो सूर्य कहाफ में मौजूद है कि इस दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसे है गोहे के आसमान से बारिश नाजिल हुई और वो फिर नबातुल अर्थ के साथ रला मिला उसमें से सब्जा जो है वह उग पड़ा अनाम और अल्लाह ज़मीन से जोशे प्रोड्यूस की है उसमें से इंसान भी है कि जो अपनी भूख मिटा रहे हैं इंसानों के लिए गल्ला है अजनास है फल है मेवे हैं हर किस्म की चीज है और इसके साथ साथ जानवरों के लिए भी अल्लाह तवेशियों के लिए भी उसमें वो है कि गंदम तो आपने निकाल ली लेकिन उसका जो भूस है वह आपके मवेशियों के काम आ गया हती इजा अखजतिल अर्दु ज़ुख बड़े प्यारे अल्फाज हैं यहाँ तक कि जब जमीन ने अपने गहना और अपना जेवर ओढ़ लिया अब वो किसान के जिसने बड़ी मेहनत की है गोडी की है फिर यह कि मुंतर आसमान से बारिश नाजिल हो बरान रहमत का नज़ूल हो खेती लहलाने लगी अब उसकी मेहनत जो थी वो भी गोया कि फल लाई और उसने देखा कि पूरी जमीन जो है उसकी फसल लहला रही है हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा और वाक ज़मीन के ऊपर ये जो उसके अजनास होते हैं जिस तरह सुनहरी रेशा आपने सुना होगा पटसन का खेत हो इसी तरह सरसों का खेत अगर आप देखें तो मालूम होता है कि जमीन ने अपने ऊपर जो है सोने के जेवर ओढ़ लिये जुखरूफा जुखरूफ कहते हैं सोने को वजयनत और वह पूरी तरह मुजयन हो गई वजन खातिन और जो मालिक था उस खेत का वह पूरी तरह मुतमिन है कि मुझे इस खेती पर पूरा कंट्रोल हासिल है कहीं उसके दिल में यह ख्याल नहीं है कि अचानक कोई उत्ताद आ सकती है और मुमकिन है जो ये मेरी खेती जो है बिल्कुल मिलिया मेट हो जाए ख़त्म हो जाए भुस बन कर रह जाए वो ये समझता है कि मुझे पूरा कंट्रोल उस पर हासिल है अब सुबह होगी अगले चंद दिनों के अंदर मैं इससे जो भी फल है जो भी उसका गला है जन, वो हासिल कर लूँगा और मेरा मामला पूरा हो जाएगा अंदरु नलिया अताु ना लई लन हारा अचानक हमारा हुक्म जो है वो शादिर होता है रात में या दिन के औकात में दिन दिहाड़े या रात की तनहाई में फ़जालनासीदम तख नबिलम्स और हमने उस खेती को कि जिसने अपने गहने ओढ़े हुए थे बड़ी खूबसूरत थी बड़ी मुजीन थी उसको बना दिया गोया कि चूरा चूरा हो गई काम तख नबिलम्स गोया कल तक यहाँ कोई शेय मौजूद ही नहीं थी फुस बनकर रह गई कजारी का नफसलआयातौमी तफक्रून इसी तरह अल्लाह ताली फरमाते हैं कि हम अपनी आयात को बड़ी तफसील से वज़ाहत के साथ खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि लोग और वफ़िक्र करें यह असल में ज़िंदगी का वो नक्शा है कि जिसमें हर तरफ जो है गोया के बाहर ही बहार है बड़े रुपया पैसा भी है रेल पेल भी है औलाद है वो भी अपने अपने मुनासिब पर पहुँच चुकी बेटियों के फरीजे से भी आप सब जो है सबक दोष हो गए ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही है लेकिन यह कि आपको मालूम नहीं कि अचानक कोई ऐसी उताद पड़े कि मालूम हुआ कि पूरी की पूरी जिंदगी का ये जो भी मामला है बिल्कुल तलपट होकर रह जाए और ये मिसालें जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था हमारे सामने होती हैं कि आदमी कहीं शान गुमान में भी नहीं होता कि इस दर्जे पुर आसाई ज़िंदगी इस दर्जे हमवार ज़िंदगी जिसमें कहीं कोई नशेब फराज नहीं है मुजिन है जिसे आप कहिए गहने ओढ़े हुए जो ज़िंदगी होती है अचानक अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश और इम्तहान आता है कि बिल्कुल हर शह मलियाबेट होकर रह जाती है बस फर्क ये है कि एक नबाताती साइकिल है कि जो ख़त्म हो जाता है चंद महीनों के अंदर तीन चार महीनों के अंदर लेकिन ये कि इंसान का जो हयातियाती इंसान का जो साइकिल है वो तकरीबन पचास साठ सत्तर में खत्म हो जाता है इसी का नक्शा सूरह हदीद में खींचा गया था एलमू अन हयात दुनिया ये दुनिया की जिंदगी का तजिया करो है क्या बचपन का एक ड्यूरेशन है जिसमें खेल तमाशा है उसके बाद जवानी है जिसमें इंसान को फिक्र है अपने अपना अप टू डेट रहने का अपने बनाव से घर की टीन एज जिसे कहते हैं उसके बाद ज़रा थोड़ी सी उम्र और बीती तो उसके बाद जो है वो कारोबार में शरीक हो गए कोई इंडस्ट्री है किसी शहर में मालूम हुआ कि तफाक़र है एक दूसरे हाथ से आगे बढ़ने का जज्बा है ज़िंदगी की दौड़ में रुपये पैसे और मालो दौलत की दौड़ में और बिल आखिर जो है आज़ाव जवारे जो है वो ढीले पड़ गए चेहरे पर भी झुलियाँ पड़ गई बाल सफ़ेद हो गए कमर के अंदर भी खम आ गया अब ये वो चीज़ें हैं जो गोया की अलामत है कि यह मामला आखिरी दौरानी में दाखिल हो चुका है यही मामला उस काश्तकार का है जैसा कि उस आय मुबारक में बयान भी किया गया कि जब वो उसकी खेती लहलाती है तो बड़ा खुश होता है जिस तरह किसी घर में बच्चे की आमद होती है तो वालदे कितनी ख़ुशियाँ मनाते हैं और उसके बाद फिर यह है कि वो जवानी को पहुंचता है फिर बिलाखिर बुढ़ापे हो जाता है यही मामला इंसान के इंसान का भी है और यही मामला नबाताती साइकिल का भी है अलमालबन नजीरतुलयात दुनिया माल दौलत और बेटे इस दुनिया की ज़िंदगी की रौन रखें व अलबाकियात साल खैरंदरब का सवाबाँ व खैरुन का मला देखिए मैंने अर्ज किया था इससे पहले भी कि इतना असल में दजल का लफ्ज नोट कीजिए दज कहते हैं धोखे को तो ये दो चीजें जिसका यहां जिक्र किया गया अलमाल जीनत दुनिया दुनियावी दु दु जिंदगी की जीनत यहां की रौनक यहां की दिल लुभाने वाली चीजें यही दो है ना रुपया पैसा है जिसमें जायदाद भी आ गई जिसमें आपकी इंडस्ट्री भी आ गई जिसमें आपकी जमीन है सब चीजें आ गई और दूसरी औलाद के जो उसके दस्तोबाजू बन गए उसके कारोबार में उसकी तजारत में उसकी इंडस्ट्री में ट्रेडिंग में यही दो चीजें हैं जो गोया के दो पिलर्स बनते हैं दुनिया की जिंदगी के ये जीनत है यकीन बहुत बड़ी जीनत है जुन अब्बू शाहबात साबल बनी वो पूरी एक फहरिश दे दी हैुरीम में गे गे कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दिल के अंदर इन चीजों की महब्बतें बड़ी गहरी उतारी हुई है लेकिन यही दो चीजें जो फिर सबसे बड़ा फितना बनती है इसलिए कि जीनत है तो फितना बनेगा ना उस जीनत की तरफ मुतवजह होकर इंसान जो है अल्लाह त के हकूक अदा ना करे हराम और हलाल की तमीज को भुला बैठे तो इससे बड़ा फितना और इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी इन नमा तगाबुन में फरमाया गया तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद सिर्फ इतना है यहां अलमाल जीनत दुनिया वही बात दो चीजें जो है दुनिया की जिंदगी की रौनक है तो यहाँ की जीनत है इंद का अमला। बाकी रहने वाली तो है खैरंदौरबी का सवाबन जो कहीं बेहतर है तेरे रब के हाँ तेरे रब के नज़दीक बदले के अतबार से वह अमला और अंजाम कार के अतबार से इसमें खास तौर तो पर नोट कीजिए मुस्ि अहमद की एक रवायत है जिसमें नबिया कम सल्ह ने फरमाया इन कलमात के बारे में फरमाते हैं कि सुबहानल् अकबर जिसे हमारे यहाँ आमतौर पर तीसरा कलमा कहा जाता है सुबहानल्लाहमदल्ला गोया कि इसमें तोहैद भी आ गई अल्लाह की तस्बी आ गई अल्ला की हमद आ गई फिर अल्लाह अकबर तकबीर आ गई वाह अब ये कलिमात है जो हज़ूर ने फ़रमाया ये हैं असल में बाक़ियात साल के कोई शख्स अगर इन क़लिमात को पढ़ने का अहतमाम करता है कि वजीफ़ा करता है उसकी बहुत सी रिवायात हैं जो हज़रा भी ये जो सिलसिला रुश्त हिदायत होते हैं उसमें किसी के यहाँ बैठ हैं तो आपको मालूम होगा कि अक्सर वेशतर इन कलेम को वो टॉप पर रखते हैं इसलिए कि एक और हदीस में है जिसमें नबी कम सल्ला ने फरमाया कि क्या कहने हैं क्या बात है उन पाँच कलेमात की और वह पाँच कलिमात यही हैं सुबह अकबर वाला तो क्या कहने हैं क्या शान है क्या आज़मत है इन पाँच कलेम की तो इस हवाले से वलबाक़ियात सालिहात उस, हाँ तो उस हदीस में हुज़ूर फ़रमाते हैं कि ये कल हैं कि जो असल में बायात सालिहात हैं जो अजर शवाब में इतने अल्लाह के यहाँ वज़न वाले हैं कि जो बाकी रहने वाली नेकियाँ ये अलग बात है कि आपको मालूम है कि इंसान इस दुनिया से चला जाता है लेकिन इनके पीछे अपने बहुत से अच्छे काम छोड़ जाता है किसी नेक काम की इब्तिदा की कोई हल्का दर्ज कायम कर दिया किसी और नेकी के अमल का गोया कि उसने आगाज़ किया है इस दुनिया से चले जाने के बाद वो अमल फैल रहा है फैल रहा है फूल रहा है उसके अंदर और तरक्की हो रही है और बहुत से लोग जो है उसकी जानब रागिब हो रहे हैं बहुत से लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं अब इस शख्स के जो इस दुनिया से जा चुका है इसके लिए सदका जारिया बन गया उसका वो अमल इसलिए कि अब जो जो शख्स भी उससे मुस्फ़ी हो रहा है उस शख्स के नाम अमाल में कि जिस दुनिया से जा चुका उसकी नेकी और शबाब में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है हमारे यहाँ सदक जारिया कहते हैं नेक औलाद सबसे बड़ी सदका जारिया है इसी तरह नेकी के किसी काम का आगाज कर जाना जो उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद फले और फूले ये सदका जारिया है फिर यह के जर खतीर खर्च करके उसने अगर कोई बड़ी नौ इंसान की खदमत के लिए कोई इदारा कायम कर दिया है कोई हॉस्पिटल बना दिया ये सदका जारिया है उसके लिए या पुराने ज़माने में हुआ करता था सराय तमीर करती अब तो आपको हर जगह जो है बेहतरीन फाइव स्टार होटल या फोर स्टार होटल मिल जाएंगे पहले तो ये नहीं होता था कोसों दूर का सफर करके जरा कहीं किसी शख्स ने जो है अपना रुपया पैसा खर्च किया कोई सायादार जगह फ्राहम कर दी कोई पानी का बंदोबस्त कर दिया कि अपने घोड़े को वहाँ बांधने की जगह भी है घोड़े के लिए कि जो है चारे का बंदोबस्त भी कर दिया ये बहुत बड़ा है सदका जारिया बन जाता था सराय तबीर कर देना तो ये तमाम चीज़ें सदक़ा जारिया में शामिल हैं वल बाया तो साल तो असल शे क्या है कि बाकी रहने वाली नेकियाँ हैं जिसके बारे में हजू ने उन पांच कलिमात का भी जिक्र किया, 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 किया कि क्या कहने हैं क्या आजमत है उन पांच कलिमात की सुबह अल्लाम अकबर वाला व योमुलजबाल व तजन और जिस दिन तुम देखोगे कि हम पहाड़ों को चलाएंगे व तरल अर्जा बारिजन और जमीन को देखोगे कि वह बिल्कुल चटियल मैदान पड़ी है हशर ना हम और हम सब को जमा कर लेंगे फलम नवादिन हम आहदा और इनमें से किसी एक को भी छोड़ेंगे नहीं अभी असल में ईमान बिल आख़रत जिसके बारे में बारहा मर्ज कर चुका हूँ कि इंसान के, के आमाल सीरत किरदार पर असरंदाज होने के अतबार से सबसे बड़ी शे ईमान बिल आख़रत है बनने के बाद की जिंदगी का यकीन यही वजह कुरान हकीम में दो तीन मकाम पर आखरत पर ईमान को बिल आखिरत यू के इसलिए ईमान यकीन के दर्जे को पहुंच जाने वाला आखरत के बारे में जब तक इंसान का ईमान जो है वो यकीन ई जिसे कहा जाता है उस दर्जे को नहीं पहुंचता उसकी जिंदगी उसकी सरत तो किरदार के ऊपर कोई असरत जो है मुतरतब नहीं होता ईमान यकीन के दर्जे वाला यमन सैर उल जबारन वो दिन के जिस दिन हम इस निजाम कायनत को तलपट कर देंगे जमीन ये पहाड़ तुम्हें चलते हुए नजर आएंगे ऐसे चलते हुए नजर नहीं आएंगे कि पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो चल पड़ा और किसी और जगह पहुंच गया बल्कि ये धुनकी हुई रूई की तरह होंगे जैसा कि सूर्य कार्य में फरमाया गया अलकार्या तो मलकारिया फराशिल मफसूस व तकून मनफूस पहाड़ों की भी बहुत सी रंगतें होती है स्या पत्थर के पहाड़ भी हैं इसी तरह जहां से आप जो है बिल्कुल जैसे आप कहिए कि ब्रिलियंट वाइट किस्म का मार्बल हासिल करते हैं उन पहाड़ों को जाकर देखिए तो ऐसे होगा गोया के बर्फ़ के पहाड़ है बिल्कुल सफ़ेद रंग के पहाड़ उसी चटानों को काट कर तो आप अपने लिए मार्बल के सिरे हासिल करते हैं तो सफेद रंग के पहाड़ हैं फिर रेड कलर के पहाड़ हैं कभी आपके कागा की तरफ गए हों तो वहाँ आपने देखा होगा कि रेड कलर के जो है वो भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल सयाह कसम के पहाड़ भी हैं सुरमई रंग के पहाड़ भी हैं अब ये मुख्तलि पहाड़ जो हैं जब उस अजीम हादसे की वजह से अलखार या तुम अल्खार या वो खड़ खड़ा डालने वाली वो बड़े बड़े धमाके एक्सप्लोइन जो होंगे जिसकी वजह से ये पहाड़ जो है बिल्कुल गर्द गुबार बन के मुख्तलिफ रंगों की शकल में जो उसकी असल है सफ़ेद रंग की जो है रुई उड़ रही है फिर इसी तरह जो है वो सुरमई रंग के पहाड़ जो हैं वो सुरमई रुई की शक्ल में उड़ रहे होंगे तो पहाड़ों का चलना व तरल यौम गिर जबाल यहाँ वो चलना उस तरह मुराद नहीं है कि अल्लाह ताली पहाड़ों के कोई पैर लगा देगा और वो चलने लगेंगे बल्कि इस फिज़ा के अंदर वो गोया कि बिखरी हुई रूई की तरह चल रहे होंगे व तरल अर्जा बारिजा तक और तुम जमीन को देखोगे कि बिल्कुल चटियल मैदान है देखिए इससे पहले भी हमने पढ़ा था जिसमें फरमाया गया था जमीन के बारे में सईद जुरुजा इन्ना जालना मा इन्ना जालना वहां भी जमीन के बिल्कुल सटियन मैदान कर देंगे लेकिन इसमें बारीक सा फ़र्क है बारिजा कहते हैं वो मैदान के जिसमें कोई नशेब फराज ना हो अभी तो आपको जमीन पर जो है भी नजर आ रहे हैं फिर ये कि ऊंचाइयाँ हैं निचाइयाँ हैं कहीं खो है कहीं पहाड़ है कहीं चटाने हैं या कि रेगिस्तान में भी चले जाए तो आपको रेत के टीले नजर आएंगे जहां कोई ऊंचाई निचाई हो वो बिल्कुल बराबर कर दी जाए कि अल्लाह इज़ा दुख कर्द कंद का जिस दिन के अल्लाह ताली जमीन को कूट कूट कर बिल्कुल चपटा हमवार कर देगा गोया कि कोई नशेब वराज उसमें बाकी नहीं रहेगा सूर्य मरियम में फरमाया गया अल्लाह तला फीह जम अमता इस जमीन में जो तुम आम तौर पर देखते हो नशीब नशेब फराज इनमें से कोई शय बाकी नहीं होगी बिल्कुल चटियल मैदान तो बारिजा कहते हैं उस चटियल मैदान को जिसमें कोई नशीब नशेब फराज ना हो और सईदन जरूजा कहते हैं उस मैदान को वो बंजर जमीन के जिसमें कहीं कोई रोहिंदगी बाकी ना रहे एक तो है ना जिसे आप सेहराई जमीन कहते हैं जहाँ रेती है रे चलिए वहां तो आपको कोई शय नजर नहीं आएगी वहां भी झाड़ झंकाड़ या उस किस्म की जो है रेतरी जमीन से जो उगने वाले पौधे हैं वो बात नजर आ जाते हैं लेकिन ज़मीन के ऊपर से रोहीदगी अगर बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए तो बंजर ज़मीन बिल्कुल चटियल मैदान जिसके अंदर अब गोया के दोनों को अगर आप जमा कर लेंगे तो ना तो कोई उसमें नशेबर बाकी होगा और ना ही कहीं कोई सरसब्जा या किसी कस्म की रोहीदगी वहाँ नज़र आएगी कि जिसकी वजह से ज़मीन की कुछ ना कुछ रौनक बनती है वह तरल अर्जा बार्ज़तन वह हशर ना हम और फिर हम सब जमा करेंगे फलम नगादा और उनमें से किसी एक को नहीं छोड़ेंगे वो हज़रत आदम से लेकर और जाहिर है ताक़्याम क्यामत इस वक्त भी सात अरब इंसान मौजूद हैं और मुमकिन है कि क्यामत के आने तक की तादाद जो है आठ या नौ अरब तक हो जाए और अरबों खरबों हमसे पहले हो चुके हज़रत आदम से लेकर और आखिरी इंसान जो इस अर्जी पर है उनमें से कोई भी एग्ज़ैम्प नहीं है ना कोई वली एग्जैम्प है ना कोई नबी एग्जैमट है ना कोई रसूल एग्जैम्प है हर हर शख्स को जमा कर लिया जाए फलम नगा किसी एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ रहा है इस बुनियाद पर भी हो सकता है कि अल्लाह ताला की गिनती में कहीं महफूज ना रहे महाजल्ला ऐसी बात तो नहीं अल्लाह कि अल्लाह के लिए बड़ा आसान है ऐसा नहीं है कि उसके हादसे के अंदर से कोई शख्स जो है कहीं मिस हो गया उसकी बुनियाद पर वो हाजिर नहीं है नहीं फलम निनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे वह रिजू अला और का सफा और वह पेश होंगे अपने रब के सामने सफ़े बांधे हुए यहां भी एक मुस्लिम शरीफ की रिवाय में एक तस्वीर देख रहा था मौजूद थी कि जिसमें हजूर ने फरमाया कि उस दिन एक सौ बीस सफ़े होंगे इंसानों की अब मैं सोचने लगा कि एक सौ बीस की अगर तादाद आप सिर्फ इस हद तक अपने जेहन में रखें तो एक सफ कितनी तवील होगी वो तो गोया कि जिसे आप कहिए कि अरबों इंसान जो है एक एक सफ में होंगे तो एक सौ बीस सफ में जाकर पूरे इंसान जो अब तक हो गुजरे हैं जिनकी तादाद खरबों में होगी तब वो कहीं जमा होंगे लेकिन एक बहरहाल यहां इस बात को बस पेशे नजर रखिए कि वह तमाम सफ़े बांधे हुए जाहिर है कि उस दिन तो किसी के अंदर कोई सरकशी नहीं होगी कोई बगावत नहीं होगी फ बसरुक यव महदीद जो कुरान हकीम काफ़ में कहा गया आज तो तुम्हारी निगाहें जो बड़ी तेज़ है उन तमाम हक़ को जिनको तुम झुटलाते रहे जहन्नम को झुटलाते रहे फरिश्तों को झुटलाते रहे मानते भी थे तो तुम्हारी अमली ज़िंदगी में जन्नत और जहन्नम की कोई तमीज़ कायम ही नहीं थी तो आज तुम्हारी निगाहें जो है बड़ी तेज़ हो गई हैं जैसे कि लोहे को तेज़ कर दिया जाए आज तो वो गैबी हक़ हटा दिए गए आज तो हर्षय तुम्हारी निगाहों के सामने है जहनुम दहकती हुई न सिर्फ तुम्हारी निगाहों के सामने बल्कि उसकी कान फाड़ देने वाली आवाज जो है वो भी तुम सुन रहे हो जिसके लिए कुरान हकीम में का इंतहाई तेज और आवाज कान फाड़ देने वाली आवाज उसके शगनों के भड़कने की वजह से और ये तो वो आग है जो हम जिसका मुशाह हम अपने आप हाँ ही करेंगे बड़े साइज का बॉयलर जो है आप उसके जरा करीब जाकर देखिए वही आपका फॉरनस ऑयल है लेकिन खास टेक्निक से आपने उसके अंदर प्रेशर पैदा किया और एक बारीक नोज़ल में से वो निकलता है और उसकी वजह से कैसी खौफनाक आवाज़ आती है कि थोड़ी देर वहां खड़ा रहना मुमकिन नहीं होता और अब तो उस किस्म की आतिशफ़ता है जो तो उसके अंदर से आवाज़ें और जिस किस्म की जो है वो गड़गड़ाहट और जैसे शोले उसमें से बरामद होते हैं ये तो तमाम चीजें वो है जो हमारी निगाहों के सामने जबकि हुजूर की एक हदीस है कि जिसमें आपने फरमाया कि जहन्नुम की आग को अल्लाह ताला ने सौ बरस तक भड़काया उसका रंग सफेद हो गया फिर सौ बरस और भड़काया फिर उसका स्याह हो गया फिर सौ बरस भड़काया फिर नीला हो गया अब वो जहन्नुम की आग जिसकी भड़काना जो है इस तरह मुख्तलि फेज में हुआ हो उसकी तपिश और उसकी तमादत का कोई अंदाजा कर सकते हैं अल्लती तत्तले जिसके बारे में फरमाया गया कि जहन्नुम की आग वो है जिस तुम्हारे इस ज़ाहरी स्ट्रक्चर को नहीं जलाएगी बल्कि उसकी पहुंच तुम्हारे दिलों तक होगी उसकी तपिश तुम अपने दिलों में महसूस करो बाकी हमारे जिस्म का कोई जल जाए तो हमारा सिर्फ वही हिस्सा मुतासर होता है ना ठीक है आपके दिमाग के अंदर जो पेन सेंसेशन है वो उसको यकीन उसको जो है वो काबू उसके में भी आ जाता है लेकिन आपके दिल तक किसी तपिश का पहुंचना वो आके जो इंसान के दिलों तक रसाई हासिल करेंगी तो और अल्लाह ताला फरमाएंगे उस दिन कि आ गए हो हमारे पास जैसा कि हमने तुम्हें पहली मरतबा जमा किया था पहली मरतबा तुम्हारी तखलीक की थी अव वाला मर्रा अब ये वो नक्शा है जो समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की अरवाह को यक बार भी पैदा फरमाया जिसके लिए हदीस के अल्फाज है। हैं वह अरवा जुनूद मुजन्नदा अरवा जो है बड़े बड़े लश्करों की शक्ल में थी गोया कि खरबों इंसानों की अरवाह अल्लाह तलम कु के नतीजे में पैदा हो गई अल्लाह अल्ला चाहता तो जमीन व आसमान को आन की आन में पैदा फरमा देता लेकिन इस आलम खल में उसमें अल्लाह फरमाते कि हमने छह दिनों में उसकी तकमील की लेकिन जहाँ तक अरवाह इंसानिया का ताल्लुक है वो अल्लाह के एक कल में कन फुन जिसे कहा जाता है कलमा कन के नतीजे में तमाम पैदा हो गई खरबो इंसानों की अरवा और उसके बाद फिर अल्लाह तला ने इन अरवाह से एक कहद लिया था अलस तो कालू बना जिसका जिक्र कुरान में है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ तो सब ने कहा क्यों नहीं है परवरदिका कालू बना सब ने कहा तू हमारा रब है ये अल्लाह की वो मारिफत है जो हर काफिर हर मशरक के दिल में भी मौजूद होती है जिसका जिक्र कुरान बहुत से मकाम पर करता है इन मुशरक़ों को देखो वैसे तो इनके सैकड़ों देवियों और देवताएँ सैकड़ों खुदाएँ हैं लेकिन उसके बावजूद जब इनके ऊपर कोई कड़ा वक्त आता है किसी मुसीबत के अंदर किसी हाथ से बड़ी परेशानी में मुबला होते हैं तो उन्हें अपना कोई देवी और देवता याद नहीं आता सिर्फ़ एक अल्लाह को पुकारते हैं हीद दिल में मौजूद है या नहीं अलस तो भी रबू बारे में नहीं फरमाया। उसकी फितरत में मौजूद है फरमाया कुल्लू मौलूदीरा हर बच्चा जो नी का पैदा होता है वो एक फित इस्लाम की क्लीन स्लेटर आता है यह तो माहौल क्या था उसका एनवायरमेंट क्या था उसके वाले कैसे थे उसके एजा व्या थे जिसकी बुनियाद के ऊपर जो कोई यहूदी बन गया कोई नस्लानी बन गया कोई हिंदू बन गया कोई जो है वैसे ही अल्लाह से बेजार बन गया अल्लाह का इनकार कर बैठा ये तमाम चीज़ें बाद में पैदा होती हैं तो ये वो नूर फितरत है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है तो अल्लाह ताला ने उन अरवाह को जो पैदा किया था तो उनसे वो अहद ले लिया था जिसका मजहर ये है कि इंसान को अल्लाह याद आता है ऐसा इंसान जिसने कभी शायद अपना माथा जो अल्लाह के सामने न टेका हो लेकिन ऐसे हालात आ जाते हैं कि गिड़ कर मस्जिद में आकर जो है रोने लगता है और अपने जो भी किया है उसके ऊपर पशेमान होता है आइंदा के लिए पैमान भी करता है तो यह इंसानों की तखलीक अव्वल उसकी अरवाह वो अहद लेने के बाद उन सबको सुला दिया गया गोया के वालिद मोहतर कहा करते थे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया अब जैसे जैसे इंसानी बच्चा इस वजूद में आता है तो यहाँ गोया के मुताबिकत करती है वो हदीस जिसमें हुजूर ने फरमाया कि जब 120 दिन गुजरते हैं उस जनीन पर जो अभी माँ के पेट में परवरिश पा रहा है तो अल्लाह ताला उस रूह को भेजता है कि जो इस ख़ास जो अब बड़े बनकर जो है बड़ा आदमी बनेगा आद, इंसान बनेगा इस बच्चे के उस खाकी वजूद के साथ उस रूह को मुंसलिक कर दिया जाता है और उसके बाद अल्लाह ताला का इल्म अल्लाह के इल्म है कि अब ये बड़ा होकर क्या करेगा इसकी उम्र कितनी होगी इसका रिस्क क्या होगा ये शक्ली होगा सईद होगा बदकार होगा फासिक व फाजिर होगा नेकोकार होगा मुत्की होगा हर शय अल्लाह के इल्म है इसके बारे में जबर नहीं है ये अल्लाह के इल्म, इल्म काबिल लिहाजा उस हदीस के अंदर जो है बिल्कुल शुरू में अल्फाज ये हैं कि उसकी खबर दी है वह वादिक वालमसदूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु रसुल्ला वसम जो न सिर्फ सच्चे हैं बल्कि उनकी सच्चाई की गवाही दी गई मसदूक भी है तो लक जी तुम्हू ना कुम खलना कुम्ला अब हर बच्चा जो आ रहा है गोया कि इस दुनिया में जो भी तशरीफ ला रहा है इंसानी शक्ल में अब वो मजमुआ है उसका एक खाकी वजूद भी है और एक रूहानी वजूद भी है जो एक सौ बीस दिन जब उसके गुजरे थे तो अल्लाह तला ने इस रूह को जाकर उसके साथ जो है वह मुंसलिक कर दिया था तो अब उसका नक्शा खींचा गया कि जिस तरह एक मरतबा पहले हुआ था तारीख में अरबों साल पहले था या खरबों साल पहले था कि खरब हा खरब इंसानों की अरवाह को पैदा कर दिया गया अब दूसरा मौका आया कि वो तमाम लोग जिनकी अरवाह को पैदा किया गया था कोई बच्चे में कोई बचपन में फौत हो गया कोई जवानी में फौत हो गया कोई बुढ़ापा कोई एक सौ पच्चीस तीस साल की उम्र में जाकर फौत हुआ लेकिन क्यामत के दिन वह तमाम जमा होंगे कमालम कमा खलना गोया कि ये उसकी मुताबिकत है जिस तरह पहली मरतबा तुम्हें पैदा किया था खरबों इंसानों की अरवाह को उस वक्त जिसम मौजूद नहीं थे लेकिन अब क्यामत के दिन वही खरबों इंसान होंगे जो मौजूद होंगे वहां जिसम और रूह दोनों के साथ तो लकद जी तुम ना तुम आ गए हो ना हमारे पास उसी तरह क्या मां खलकनाक अव्वला मर्रा जैसा कि हमने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया था वही तादाद जो उस वक्त थी अरवाह इंसानिया की वही तादाद इस वक्त इंसानों की है जो इस वक्त क्यामत के अंदर जो है सर जो खड़े हुए सफे बाधे हुए बलजाम तुम तुम्हें बड़ा जो हो गया था इस बात पर यह असल में वही दुनियावी जिंदगी का दजल और फरेब जालिफ इतना जिसे कहा जाता है किस बुनियाद पर इंसान आखिरत को मरने के बाद की जिंदगी को क्यामत को भूल बैठता है अलमारू अलबरू नजीरतुलसा मालू दौलत तजारत इंडस्ट्री हर शह जो है इस दर्जे अपनी तरफ खींचती है कि आखिरत को भी भूल गया मरने के बाद की जिंदगी को भूल गया मौत भी उसकी निगाहों से उजल हो गई मौत है तो दूसरों के लिए है मेरी अभी मौत कहा है मुझे तो अभी बहुत अरसा जीना है बल्कि अजीब और गरीब बात है कुरान है हकीम तो ये कहता है ना यदू अम लवरु अल्फसना युब्ब दुनिया जो है बदरजह आतम मौजूद थी यहूदियों में लिहाजा कुरान तबसरा करता है इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसे एक हज़ार बरस उससे भी ज्यादा जिंदगी में मैसर आ जाए लेकिन कैसे मुमकिन है वो तो अल्लाह ने जो उम्र दी है वो जब वक्त आ जाएगा फैदाज तो तकदीम हो सकती है ना उसमें तो बलजाम तुम अल्लाजुमउिदा यह जो तुम्हें हो गया था किस बुनियाद पर जैसा कि मैंने अर्ज किया इस दुनिया की जेबो जीनत में मुबतला होकर तुम भूल गए आखिरत को अल्लाजुमउिदा के हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर नहीं किया तुमने इस हकीकत को अपने जहन से निकाल दिया अल्हा ये जरूर सनाम है इस मौजूद के ऊपर कसरत की तलब रुपए पैसे की कसरत मारो औलाद की कसरत इस तलब ने तुम्हें जो है बिल्कुल गाफिल कर दिया अल्लाक मुतकाबर यहां तक कि तुम अपने कबरों तक जा पहुंचे वही बात जो पहले भी मैंने कही थी कि इंसान की हिस्स और तमाह और लालच जो है उसको तो बिल आखिर कबर की मिट्टी ही है कि जो उसकी जो है शेरी पूरी करती है उससे पहले उसे चैन नहीं आता बल्कि बाद गूढ़े जो है जवानों से बढ़कर रुपए पैसे के शदाई होते अगली कई नस्लों के लिए उनके पास मौजूद है सरमाया मौजूद है सब कुछ मौजूद है लेकिन वो हवस जो है हवस जर वो इस दर्जे मुस्कम है इस दर्जे मौजूद है कि उसमें रोज अफजू तरक्की हो रही है दिन ब दिन और इजाफा होता चला जा रहा है इधर यह बदबक जो है अपनी कबर से करीब से करीब तर हो रहा है और उधर इस रुपये पैसे की मोहब्बत और गहरी उतरती चली जा रही है असल में सबसे बड़ा आलमिया बल्ज़ह तुम अलगू मददा बल्कि तुम्हें यह ख्याल हुआ इस गुमान में मुबतला हो गया कि शायद वो घड़ी नहीं आएगी कि हमें अपने रब के हजूर पेश किया जाएगा वह जो असल जिंदगी है जिसको तुम मानते तो हो तस्लीम तो करते हो लेकिन यकीन उस पर हासिल नहीं है हमने उसका एक वक्त मुकर किया है वो जल्किब अब नक्शा खेंचा गया मैदार हशर का और उस दिन वह अल्किताब को नसब कर दिया जाएगा अल्किताब अगरचे सिर्फ अल अल-किताब के रफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ तो कुरान हकीम के लिए है लेकिन ये कि यहाँ किताब से मुराद वो आमाल नामा है वूज़ किताब जिस दिन उस आमाल नामे को सामने नशर कर दिया जाएगा नसब कर दिया जाएगा फ़रल मुजरिमिन मुशफीन माफ़ी और फिर तुम देखोगे मुजरिमों को कि डरे हुए होंगे सहमे होंगे इसलिए कि उस किताब के अंदर तो उनकी ज़िंदगी का एक एक अमल मौजूद है इस दुनियावी जिंदगी में हमें कितना तजर्बा होता है कि हम कितने ही अपने आमाल के बारे में चाहते हैं किसी और के इल्म में ना आ जाए और उस दिन तो वह अमाल मौजूद है हर शख्स पढ़ सकता है या तो हम ये चाहेंगे कि हमारे करीब तरीन के जो है हल्का उसके इल्म में भी ना आए ये बात कि मैंने फला का माल कसब कर लिया था फला ये मामला किया था इसलिए कि इंसान के अंदर यह शैतान तो मौजूद है ना कि शायद कोई उसको नहीं देख रहा एक आंख तो है वो जो देख रही है वो आंख उसकी निगाहों से उजल हो जाती है फतरल मुजरिमी मुश्किन वो सहमे हुए होंगे उस आमाल नामे के जो मंदर जाते हैं इसलिए कुरानक इस, कुरान इस हकीक़त को तो जिस तरह खोला गया या बुनैया औफिल समावात या थी बस हकीकत को जेन नशीन कर लो तुम्हारा अमल खाब वाई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो अब राय का दाना अक्सर व बेशतर नई नस्ल ने तो देखा नहीं हुआ लेकिन पहले लोग जो है उनके आयन में बहुत छोटा सा जो मुश्किल नजर आ रहा है फी सक्रत और वो अमल तुमने कहीं किसी चटान की गहराई में किसी गार की गहराई में उतर के क्यों न किया होफात या कहीं बुलंदी पर पहाड़ की चोटी पर जहां कोई देखने वाला नहीं नहींफिल अर्ज या जमीन के अंदर कोई सरूम लगा कर तुमने वो अमल किया हो या तबी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है अल्लाह उसे ले आएगा कहां ले आएगा किताब उस किताब में वो लिखा हुआ मौजूद पाएंगे यही वो बात है जो सूरज में कही गई यामल यामल मिसकाल मिसकाल व्यान वाह और जो भी करेगा खाबो जर्रे के हम वजन कोई अमल हो वो उसे देख लेगा कहां देख लेगा वह वो जैल किताब इस किताब में आमाल नामे में देखेगा और अगर शर का अमल है तो वह भी देख लेगा और ये बात भी आप में से बाज़ बाजा के इल्मी होगी कि जर्रा किसे कहते हैं जर्रा असल में लोगत में कहते हैं च्यूटी के अंडे को अब चीटियों में भी आपने मुख्तलि देखियो थोड़ी सी बड़े साइज की चूटी है कुछ दरमिया साइज की है एक भूरी च्यूटी ऐसी होती है कि जिसको आम आदमी देख भी नहीं पाता ये वो किचन के जिनके अंदर आजकल वो जो मुख्तलिफ किस्म के लकड़ी के बुरादे वाले जो है बोर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको जब कहीं पानी पड़ता है तो वहां वो पैदा होती है वह नस्ल च्यूटियों की भूरी च्यूटी जो आपको नजर ही नहीं आ रही उसकी टांगे देखना या उसका कहां मुंह किधर है उसका जो है बाकी जिसम कहाँ है वो तो बड़ी दूर की बात है पूरी चींटी नजर नहीं आती उस चींटी का जो अंडा होगा उसका क्या साइज होगा अंदाजा कीजिए जर्रा अरबी लगत में उस अंडे को कहते हैं जो च्यूटी का भूरी च्यूटी का अंडा हो तो इंसान का वो अमल के जो उस भूरी च्यूटी के अंडे के हम वजन है जो आपको आम आंख से दिखाई नहीं देता जर्रा उसे कहते हैं मामा यह मिसकाल जर्र खैर रही तुम्हारा अमल खाबो जर्रे के हम वज़न हो खैर का है तब भी देख लोगे नामे में और अगर शर का अमल है तब भी देख लोगे वजियाल किताब उस दिन वो अमालनामा नसब कर दिया जाएगा फ़तरल मुजरिमीना मुश्रकी ना बिमाफ़ी और देखे तुम देखोगे इन मुजरिमों को कि सहमे हुए होंगे काँप रहे होंगे लर्जा तरसा होंगे इसलिए कि जो कुछ उसके अंदर मौजूद है उन्हें तो खूब मालूम है ना बलील इंसान वाल नफसी बसीरा इस दुनिया में इंसान दूसरों की आँखों में धूल झोंकने के लिए क्या क्या जतन नहीं करता तकवा का लिबास भी ओढ़ लेगा जुब्बा और अमामा दस्तार वो भी पहन लेगा लेकिन वो अपने आप को अपने से तो नहीं छुपा सकता उसे तो मालूम है मैं क्या हूँ या उसे खुद मालूम है या अल्लाह को मालूम बली इंसान वाला नफसी बसीरा कुरान ने तो कह दिया इंसान को अपने ऊपर खूब बसीरत हासिल है कि वो कितने पानी में है कहाँ खड़ा है कितना कुछ ईमान उसका अल्लाह पर है आखिरत पर है

कि नहीं छूटी इस अमाल नामे से हमारे जिंदगी की छोटी से छोटी हरकत या कोई बड़ा अमल इल्ला मगर ये कि इस अमाल नामे ने हमारी जिंदगी के एक एक अमल का अहाता हर शे उसमें मौजूद पाएंगे वह वजदू हाजिरा और जो कुछ उन्होंने अमल किया होगा उस दिन वहां उस अमाल नामे में मौजूद पाएंगे हाजिर सामने मौजूद है वाला और उस दिन तुम्हारा रब किसी पर कोई जुल्म और ज्यादा नहीं करेगा भरपूर जजा या सजा मिलकर रहेगी पहले से मुतनबे कर दिया गया कि अगर इस रस्ते पर चलोगे शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करोगे हिरसो हवा के बंदे बनकर रहोगे हवा से जर हवा से जन और ये तमाम चीजें जो है इसी में आगे बढ़ते चले जाओगे तो वह अबी जहन्नुम है और वहां मौत जो है एक मेढे की शक्ल मिलाकर हदीस के अल्फाज भी है और फिर ये के कुरान में भी उस तरफ इशारा होता है कि आज पुकार लो मौत को मौत कहां है मौत को तो खुद खत्म कर दिया गया तो हदीस के अल्फाज है कि मौत को जो है एक मेढे की शक्ल में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा कि अब एंड नहीं है मौत नहीं है दुनिया में तो इंसान के ऊपर कितना ही टॉर्चर किया जाए बिल आखिर एक उसके पास एस्केप मौजूद होता है वो ये कि चलो जिंदगी खत्म होगी तो कम से कम ये है कि ये सैकड़ों बरस की बेकरारी को करार आ ही गया तो करार आ ही जाएगा जिंदगी उसकी आखिरी साल जिस कर्म में बीते थे या जिस तकलीफ में बीते थे कोई फारिज में है कोई और किसी तकलीफ में है तो उसके तो अपने जो हैं मोहब्बत करने वाले दुआ करते हैं परवरदगार इसके लिए इस मंजिल को आसान कर दे जब दूसरों ही के ऊपर इंसान सरासर मोहताज होकर रह जाए मुमकिन है उसको खुद उतनी तकलीफ ना हो रही हो लेकिन जो दूसरे उसके इर्द गिर्द हैं वो उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हो ये सब कुछ होता है तो इस दुनिया में तो बहर अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ कहाँ जाएंगे बड़े प्यारे अल्फाज है इसलिए कि दुनियावी जिंदगी का एंड जो है उसकी जितनी भी कुर्ब जो है वो कर्ब हो कुल्फतें हो जो कुछ भी हो मौत जो है उसमें से गोया के निकलने के बाद वो तमाम चीज़ें खत्म हो गई लेकिन मरने के बाद की जो जिंदगी है उसमें तो कोई मौत नहीं है तो मेढे की शक्ल में लाकर उसको जमा कर दिया जाएगा कि अब कोई मौत नहीं है अब यहाँ की जो भी अहल जन्नत है उनके लिए हमेशा हमेश की जन्नत है और जो अहले जहन्नम है उनके लिए हमेशा हमेश की जहन्नम में वला वब्बू का अहादा और तुम्हारा रब किसी पर कोई जुलम नहीं करेगा वहरत आदम की तखलीक और फिर उसमें इब्लीस का किरदार जो बाद में सामने आया यह अगर सिर्फ एक आयत है कहने को तो बहरहाल ये पुराने हकीम में यह वाक़ जो है ढाई ढाई रुकू पर मुश्तमिल वो भी हमने पढ़ा सुरह बकरा के अंदर मौजूद है और उसके बाद फिर यह है कि सूर्य आराफ में है सूर्य हिजर में है सूर्य साध में है और कुरान हकीम में बिल्कुल मरकज़ में ये जो तीन सूरतें हैं सूर्य इसराइल उसके बाद सूर्य कहफ और उसके एक सूरत छोड़कर तहा इन तीनों सूरतों के अंदर कसै आदमी मौजूद गोया कि बिल्कुल मरकज में तीन सूरत मरकज़ से ज़रा इधर फासले पर चले जाइए तो एक तरफ जो है फिर सूर्य हिजर है सूर्य आराफ है और दूसरी तरफ चले जाइए तो फिर सूरज साध है अब ये वो चीज़ वो है वाक़ा के जो कुरान हकीम में सात मकाम पर वारद हुआ इस मकाम पर सिर्फ एक आयत है लेकिन यहाँ जिस हकीकत को खोला गया वो बकिया छः मकामा पर जिक्री नहीं है उसका इसलिए कि अल्न वागा हकीम में कहीं भी आपको सिर्फ तकरार नजर नहीं आएगी हज़रत मूसा स्ल्लाम का किस्सा जो है ख़ास तो पर जादरू ग जब दौरा तर्जुमा कुरान हमारे यहाँ हो रहा होता है रमज़ान की रातों के अंदर तो ये तासर मैं आपके सामने रखता भी हूँ एक ही दिन हमने सूरज शुरा भी पढ़ ली फिर सूरज साध भी पढ़ ली कई सूरतें पढ़ ली और एक ही रात के अंदर जो है हज़रतमूसा सलाम के उस वाक़े का जिक्र तीन चार मरतबा हो गया तो हम समझते हैं बिल्कुल तकरार है और यह के इसमें तकरार बहरहाल कलाम का जो है वो कभी हुसन नहीं समझा गया लेकिन कुरान हकीम में जहाँ भी तकरार है हजरत मूसा का जहाँ जिक्र आया कोई ना कोई नई बात जो है उस मकाम पर जहां आप पढ़ रहे हैं आपको नजर आ जाएगी इसी तरह हजरत आदम की तख्लीक का जो है, उसमें उस इबलीस का मामला जो है कहीं और मौजूद नहीं कि इबलीस था कौन कि तो फरिश्तों के लिए हुक्म था के तमाम के तमाम आदम के सामने सजदार रियज हो जाए तो सवाल पैदा होता था यह इबलीस जो है आयाज फरिश्तों में से था तो फरिश्तों के बारे में तो कुरान में है ला यासून अल्लाह मारा हूं तो अल्लाह के हुक्म से कभी सरताबी नहीं करते वो तो नाफरमानी का उनके हाथ जिसे आप कहिए कि वो खाना ही मौजूद नहीं है कि नाफरमानी और हाथ से हो वो तो नूरी मखलूक है वो सरापर सरासर जो है वो इतात ही इताथ है। तस्लीम ही तस्लीम है ला या लेकिन फिर ये फरिश्तों के साथ जो इबलीस कोई फरिश्ता होगा या क्या था उसका जिक्र आ गया उसने सीधा नहीं किया हालांकि फरिश्ते तो जो है वह तो अल्लाह के मुती होते हैं वो तो नूरी उलासल है तो यह उस बात को खोला गया काना मिनल जिन अगरचे सिर्फ एक आए थे जैसा कि मैंने अर्ज किया इबलीस जो है ये जिन्नात में से था बाकी अच्छे मकाम पर इसका जिक्र नहीं है इबलीस का नाम आया इबलीस का भी असल में ये सिफाती नाम है अब अरबी जुबान में कहते हैं किसी के मायूस हो जाने को इबलीस जो है सिफत मुशबा है कि वो के जो बिल्कुल मायूस हो गया किससे मायूस हो गया अल्लाह की रहमत से अल्लाह के फजल से इसलिए कि इंसान की उखरवी जिंदगी की कामयाबी जो है उसका दारो मदार तो अल्लाह की रहमत पर है अल्लाह की तोफीक पर है जैसा कि हजूर ने फरमाया था कि कोई शख्स भी मुजर्रद अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक अल्लाह तला की रहमत और अल्लाह का फजल जो है उसकी दस्तगरी ना फरमाए इसलिए कि अगर किसी शख्स को कि नेकी की तोफीक मिलती है वह भी अल्लाह तला की तोफीक की तरफ से अल्लाह ही की तरफ से तो ईबलीस वो शख्सियत या वो कि जो बिल्कुल मायूस हो चुका अल्लाह की रहमत अल्लाह के फजल से ये उसका सिफाती नाम है और इसका असल नाम जो है जो तौरात में भी मौजूद है वो अजाजील का नाम है अजाजील इसका असल नाम था काना मिनल जिल जैसे कि यहाँ आ गया जन्त में से था अगरचे एक ताबीर हमारे यहाँ मुफसरीन ने यह भी की है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तख्लीक की गोया कि ये इंसानियत के सिलसिले का जो आगाज हुआ पहला आदमी हजरत आदम जो वजूद में आया उस वक्त तक सिर्फ दो ही मखलूक थी एक बहुत ऊँचे दर्जे की मखलूक थी फरिश्ते जो नूरीसल हैं हदीस में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन्नात मौजूद थे जिनकी मादा तखलीक आग है खल तनी मनारी व खलता मिनती कुरान में जिक्र है कि जब इबलीस ने जो है सरकशी की थी और सजदा नहीं किया तो उसके पास दलील क्या थी कि मैं तो इससे आदम से जो सड़े हुए गारे से तूने पैदा किया मिट्टी से गारे से और वो भी जो सना हुआ था बदबूदार मुझे तो तूने आग की लपट से पैदा किया आग तो बड़ी लतीफ़ शय होती है मैं इसको सजदा नहीं करूंगा गवर्नर तकबूर उसको खलक तो नी वलता मुझे तूने आग से पैदा किया इसको आदम को तूने खाक से पैदा किया तो फरिश्तों को नूर से पैदा किया हादिस में जिक्र है कुरान में जिक्र नहीं है तो उस वक्त तक, तक ये दो ही मखलूकती एक नूरुल उल असल थी फरिश्ते और दूसरी नारीुल असल थी जो जन्नत थे तो जब जो ऊंची वाली मखलूक है जब उसे सजदे का हुक्म दिया गया तो गोया कि उसी के जैल में फिर उससे निचले दगली की मखलूक अज खुद आ गई तो बाज़ हजरात के यहाँ मुफसरीन ये कहते हैं कि जो फरिश्तों को हुक्म दिया गया था तो बाहिर फरिश्तों को था लेकिन फरिश्तों से मुराद उस वक्त की जुमला मखलूकत थी जिसमें जन्नात भी मौजूद थे अब उससे यह बात भी गोया कि अगर जो इस तर्ज फिक्र को मानने वाले हैं वो ये समझेंगे कि फिर गोया के तमाम जन्नात ने भी हजरत आदम को सजदा किया सिवाय एक के इस इबली से लीन के शैतानीम के या जाल के बाकी तमाम ने सजदा किया बार ये मुख्तलिफ आ लेकिन बहरहाल इस यहाँ जिस बात को मजीद खोला गया काना मिनल जिन और उसमें जो ये समझते हैं कि जन््त ही में से था तो उसकी वो तावील यूँ करते हैं कि बहुत ही आबिद बहुत ही जाहिद अल्लाह वाला अल्लाह का जिक्र करने वाला और उन जन्ात में से था और अपने उस इबादत जहद और तखबा की बुनियाद पर अल्लाह इसे जो है फ़रिश्तों की जिसे लोअर कैटेगरी होता है उसमें शामिल फरमा दिया था लिहाजा जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो तो उस हुक्म के अंदर यह भी चूंकि अगरचे असलन जन्नात में से था लेकिन अपने ईमान और तकवा जहद और इबादत की वजह से रिहाजत की वजह से ऊपर की कैटेगरी में जो है फरिश्तों की निचली कैटेगरी और जिन्त में ऊपर की उसमें शामिल हो चुका था लिहाजा वो भी उस हुक्म में गोया कि मौजूद था कि उसे भी सजदा करना चाहिए लेकिन उसने इनकार कर दिया आदम और जब हमने कहा

ये असल में जिन्नात में से था जैसा कि मैंने अर्ज किया सिर्फ यहाँ ये एक आयत है कि जिसमें इस बात को मुनकशिफ किया गया कि इबलीस जिन्नात में से था फफसा फसान अमरी और जिन्नात में होने की वजह से इसके अंदर फिसको फजूर तो मौजूद था गोया कि जिसके आपके ये इनर कोर इसकी अभी भी सरकशी थी अलग बात है कि ऊपर जो है इबादत को जोहत को जिक्र तकवाजिकार जिसकी वजह से फरिश्तों की सफ में शामिल हो गया लेकिन फफस का नमरी ही जन्नात में होने की वजह से बस उसने किया अपने रब के हुक्म से निकल भागा फसा का लफ्ज आता है किसी शहर से निकल कर भाग जाना लिहाजा अरबी मुहावरे में इस्तेमाल फसिल फारत बिन जही रहा। जो चूहा अपने बिल से निकल कर भाग जाए तो उसे कहते फ़सस् कतिल फारत जो भी फारा है जो चूहा चूहा या चूहिया जो है अपने बिल से निकल भागी फान अम रबी तो अपने रब के हुक्म से निकल भागा सरकशी इख्तियार की, तकबर इख्तियारियातिया इसी आयत में जो है ताजुब का इजहार किया गया कि अः इंसानो क्या तुम उसको उस बिली से लइीन को उस शैतान रजीम को वह जरूरीत हु और उसकी औलाद को वो औलाद जो उसी के नक्शे पापर है और जैसा कि यह पहले भी बात बयान होती रही है कि औलाद जो है उसकी सिर्फ औलाद सुलभी नहीं औलाद मानवी जो इंसान है लेकिन उनके अंदर शैतनत इस दर्जे में मौजूद है गोया कि शैतान की औलाद शुमार हो रहे हैं फलाशफ तो मुजस्म शैतान है यह आमतौर पर कहा जाता है इसलिए कि उसके तौर उसकी सीरत तो किरदार उसमें इंसानियत वाली कोई शे है ही नहीं अफ तखिजू नरूरीतिया तो बड़े तजुब की बात है क्या इंसानो तुम उसको उस शैतान लइन को और उसकी जरूरियत को मेरे सिवा अपना कारसास करार देते हो मेरे मुकाबले में खड़ा करते हो मेरे हुक्म को पसे पुष डालते हो और उसकी इतात करते हो उसके कहने पर चलते हो उसके नक्शे कदम की पैरवी करते हो वह हम लकुम आदम जबकि वो तुम्हारा शरीर दुश्मन है वो दुश्मनी का तो एक वहां आ गया था ना हजरत आदम हजरत दोनों को बहला फिसला कर जो है वो खिलात जो जन्नत की थी पोशाक वो भी उनके जिस्म से उतरवा ली और फिर वो जन्नत जिसमें उन्हें रखा गया था वहाँ से भी नीचे गोया कि उनका नज़ूल हो गया और फिर ज़मीन पर भेज दिए गए उसकी शैतनत तो उसी दिन पहले ही दिन और सबसे बड़ा हथियार क्या था और आज भी शैतान का सबसे बड़ा हथियार और बेहयाई और फहाशी जिसे कहा गया अलया उमिन ईमान क्यों कह दिया गया कि हया इसमत ये चीज़ें ईमान के जुजियात के साथ ईमान इससे मोतबर होता है अगर ये चीजें निकाल दी जाए तो फिर इंसान में शहतरत ही बाकी रह जाएगी तो आज भी जैसे आप कहिए सबसे बड़े दावेदार जो है वो शैतान की शेख का है बेहई का है और फहाशी का और यही मामला उसने किया था कि हजरत आदम को और हजरत अबा दोनों को वर्ग जिसके नतीजे में उन्हें और लाक हुई और अपना शत्र जो एक दूसरे से छुपाने लगे उससे पहले उसकी बड़ी सी बड़ी ताबीरें की गई हैं उससे पहले शायद वो जज्बात उनके अंदर थे नहीं ये क्या मामला था लेकिन बहरहाल वो तुम्हारा सही दुश्मन है अपनी दुश्मनी का उसने जो है मजहर उस वक्त भी पेश कर दिया था हजरत आदम हजरत मामले में वह लकुम आदम बदला बहुत ही बुरा होगा इन ज़ालिमों का बदल गोया कि अब जो भी इन्हें बहुत ही बुरा बदल इन्होंने इख्तियार किया है ये भी इसका तर्जुमा हो सकता है और फिर यह कि जो बहुत ही बुरा बदला होगा जो इन लोगों को मिलेगा जो शैतानों को अपना इमाम बनाने वाले हैं दो शैतानों को अपना पेशवा बनाने वाले हैं शैतानों के नक्श कदम की नक्श पा की पैरवी करने वाले हैं बाहिर देखने में इंसान नजर आ रहे हैं लेकिन हकीकतन उनके अंदर शैतान मौजूद है और शैतनत जो है अपने उरूज पर है इस्तबार और तकबुर और घमंड था जो कि असल जिसे आप कहिए कि जो असल तबाही और बर्बादी का सबब बना था शैतान का यही मामला इंसानों के अंदर अगर पैदा हो जाए वहीजुब वही तकबर वही घमंड वही दूसरे लोगों को अपने से हकीर समझना अपने आप को बहुत ऊँचा समझना अपने आप को बढ़िया समझना दूसरों को घटिया समझना यह वही तकबर है जो शैतान में पैदा हुआ था तो अफत औलिया अफ लकुम अवलिया तो क्या तुमने उसे और उसकी औलाद को औलिया अपना कारसाज बना लिया और अरबों हाथ के यहाँ तो यह रिवाज था शैतानों की परस्तिश होती थी बल्कि अक्सर व बेशतर यह हुआ करता था कि काफिला अगर जा रहा है फ़र्ज़ कीजिए कि रात उसे कहीं वीराने में बसर करनी है तो जो काफिले के आगे आगे चलने वाला जो रहनुमा होता था वो गोया के काफिले वालों का इमाम है तो वो उस वादी में दाखिल होने से पहले जो है हाथ उठा कर कहता था कि ए इस जिन इस वादी के जिन हम तेरी पनाह में अपने आप को देते हैं यह कि अल्लाह ताला की पनाह में अपने आप को दें उस वादी के जिन की पनाह हासिल किया करते थे कहीं मिराने में अगर रात को पड़ाव डालने वाले हों कि कहीं जिन्नात तंग ना करें शैतान हम पर मुसलत ना हो जाए जिन्नात हमारे लिए जिंदगी दोभर ना कर दें तो अपने आप को जिन्नात की उस वादी का जो जिन्नात है उसकी पनाह में देने के लिए तैयार रहते थे इस दर्ज जहालत इन लोगों के यहाँ मौजूद थी उस पर तबसरा किया गया कि वो शैतान के जो तुम्हारा दुश्मन है तुमने उसे अपना पेशवा और ईमान बना लिया और उसकी पैरवी करते हुए न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी जरूरियत की वो जरूरियत जो उसकी अपनी सुलभी जो है कि उसकी नस्ल में जो शैतान मौजूद है वो भी और जो आदमियों की शक्ल में इंसानों की शकल में शैदान मौजूद हैं व उम रकुम आदू जबकि वह तुम्हारा शरीह दुश्मन है बेसल ालम बदला बहुत ही बुरा है बदल जो इन िमों ने किया, गोया कि अल्लाह के सिवा कार कारसाज समझने लग गए उन शयाती को और उनकी ज़रूरीत सुलभी और ज़ूरीत मानवी को बारकल्लाकुरफ़ानी व्यायाक बिल आयात वकी